huge fan following, and they have done such a brilliant job in the video. And I think overall Zee Music को thanks देना चाहूँगा. And हमने जितनी मेहनत की सबने साथ में मिलके, चाहे वो audio पे हो, video पे हो, वो it's paid back. And I literally had tears in my eyes when I saw that hashtag number one trending. So, oh, that's so cute. So I think it's very special for all of us, and it's been a magical day. You know, I think जो भी चीज आप दिल से, लगन से और बहुत ही मेहनत से करते हैं, it will prove successful, and that's exactly number one is. आयान, कैसे हो जनत? आप क्या बोलना चाहेंगे? सॉन्ग के बाद इतना अच्छा रिस्पांस मिला, क्या-क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले. मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि मतलब कमेंट्स अप टू 40,000 हो गए. ओ वाओ, ओ रियली वाओ, दैट्स ग्रेट. लाइक 5.5 लाख, 5.5 लाख और ट्रेंडिंग तो है. मतलब लोगों ने मुझे मेरे पास होने पे इतना कंग्रेचुलेशन, तो मैंने तो पहले के दिन था कि सॉन्ग पे कर रहे हैं, सो विच वाज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी, बट आई एम रियली हैप्पी. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा पूरा एक्सपेक्ट किया था और बहुत मेहनत की थी. तो अब जब उसका फल मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो ये बोलूँगा, मुझे पता था कि हर जगह ट्रेंड में रहेगा. हालांकि टिकटॉक बहुत यूज़ करते हम लोग, तो अभी मेरे एक्सप्लोर में सिर्फ वो गाना ही दिख रहा है. लोग सारे लोग मतलब उसी चीज़ को मतलब छोटा छोटा क्लिप कट करके उसको टिकटॉक पे डाल रहे हैं. हर जगह मतलब जहाँ जो एप्लीकेशन पे देख रहा हो वो सॉन्ग दिख रहा है मुझे. अच्छा, इंडस्ट्री में कमेंट्स की बात करें तो कुछ आए इंडस्ट्री से कमेंट्स, और अगर मिले तो क्या कहेंगे? कमेंट्स इतने हैं कि पढ़ी नहीं पाएंगे. इंडस्ट्री से कोई कमेंट किया हो? अरे मुझे सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए, जिनके भी आए सब कॉम्प्लीमेंट्स ही आए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए आए या फिर यू नो किसी पर्टिकुलर, आई थिंक ओवरऑल वीडियो के लिए आए, यू नो सबके लिए आए. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है. किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, बाकी इधर कमी रह गई. जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो ओवरऑल पूरी वीडियो के लिए आ रहे हैं, विच आई थिंक इज ग्रेट. सर कुछ भी नहीं करते, जो करते सुनो से. टिकटॉक स्टार बहुत है मगर प्रोफेशनल वीडियो हर कोई नहीं बनाता है. और मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ टिकटॉक पे, और जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. ऐसे वो वैसे कंटेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं वैसे कंटेंट बनाने से वायरल होंगे, मगर अभी वो भी उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आ गए टिकटॉक पे, तो अभी वैसी सारी वीडियोस तो ब्लॉक हो जाती है और अभी लोग भी कम कर दिए बनाना. आई थिंक इट्स ग्रेट एंड उसका फल भी दिख ही रहा है हमें. और आने से पहले ही इतना प्यार मिल रहा था, जब हमने पहला लुक डाला था कि हम दिस ईद आ रहे हैं, तभी से इन्होंने मुझे नेक्स्ट शूट पे बोला कि मुझे तो कॉल आने लग गए कि वाओ दिस इज़ गोना बी ग्रेट, दिस इज़ गोना बी एपिक. और तभी से मैं बोलूँ इतना लोग वेट कर रहे थे और हैशटैग पे इतने पिक्चर्स एंड ऑल, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जब गाना आएगा तो बड़ी हाइप मिलेगी, लेकिन इसको तो आने से पहले ही इतनी हाइप मिलेगी थी कि आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग. ओके पैसों आप ले जाना चाहिए, एक मिनट पैसों आपसे जाना चाहिए, आपका ही फर्स्ट डेब्यू है एल्बम, तो कितना यू नो नर्वस थे इसकी एक्टिंग करने के लिए? जन्नत के साथ, जन्नत ने आपको कुछ ट्रेनिंग या टिप्स दिया था? थैंक यू. हां जन्नत तो एक्टर है तो उसने मुझे उसने बहुत हेल्प किया इस चीज़ में. तो कितना मजा आया वाइल शूटिंग और कितनी नर्वस? शुरू में थोड़ा डर लग रहा था
मैं शूट नहीं कर पा रहा था शुरू में अच्छे से, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा फेस कर रहा था। हालांकि हमेशा मैंने मोबाइल ही फेस किया है, तो जन्नत ने मुझे बहुत बताई है कि ऐसे ऐसे ऐसा करो ऐसे ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया। अच्छा, दुबई में गर्मी भी ज़्यादा थी, किस तरह का एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और केमिस्ट्री किस तरह से, क्या बोलोगे? आई थिंक मुझे तो गर्मी पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिला, मैं और चीज़ों को इतना एंजॉय कर रही थी म्यूजिक को और काम को, फिर हम इतना घूमे तो आई थिंक मेरा बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं धूप में या फिर गर्मी में। पूरा ध्यान तो शूट पे ही था। हाँ, जल्दी से हम इतना फोकस हम एकदम फोकस था, फोकस आर्टिस्ट है, इनको ठंडी गर्मी कोई मायने नहीं रखती। ओके राम जी, फैशन को जन्नत को लेने का कोई मोटिव कुछ ऐसा था जो इन दोनों को आपने चूज किया? नहीं, आई जस्ट कुड इमेजिन बोथ ऑफ देम लुकिंग गुड एंड आई थिंक ही इज द किंग एंड शी इज द क्वीन ऑफ टिकटॉक, दैट्स व्हाट पीपल कॉल, एंड आई कुड जस्ट इमेजिन देयर केमिस्ट्री लुकिंग वेरी गुड। And Jannat is such a, I think she's a very, very, very good actor. And जब ये रोते हैं वीडियो में तो आपका किधर ना किधर दिल रोएगा साथ में। So I think she is done absolutely very, very well. I think emotional actresses में she's one of the best actresses. And इनकी स्माइल पे, फैजू की स्माइल पे मतलब उधर ख़त्म हो जाती है बात। So the entire package came out so nicely and the way, you know, basically how फैजू is, जैसे फेसबुक का इमेज है कि ही इज ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स, यू नो, सो वी केप दैट लिटिल इनटेक इन द वीडियो दैट यू नो ही इज ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स, बट वो आप प्लीज डायलॉग बोल के सुनाइए सबको, आई थिंक दैट विल कम वेरी नाइसली। हां वो डायलॉग बताओ। हां मैं आपसे बहुत इसमें बोलूं? हां हां बोलो, ऐसी बोलियो। हां मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। बल्कि पता है कितने कमेंट्स आए कि वाह मैं तो कितना रिलेट करता, अरे मैं जा रहा हूँ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बुला के मिलूंगा। सो दिस इज बेसिकली अ रियलिटी एंड दिस इज हाउ पीपल वुड लव टू सी इट एंड कनेक्ट टू बोथ ऑफ देम, यू नो, इवन टू जन्नत, इवन टू फैजू, इवन इन द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ। ओके, फाइनली भी सारे सवाल तो पूछे गए थे अयान से, एक सेकंड अयान से सवाल पूछना है। अयान, आपकी क्या राय है इसके बारे में, बिकॉज यू आर द मेन स्टार, ये सब तो ऐसे ही मतलब ठीक है, आप बताओ कैसा लगा? फर्स्ट एल्बम थी जिसके अंदर मैं गया था वहाँ पे शूट पर, और वो फर्स्ट एल्बम आई डोंट मीन जो अपने जो भी एल्बम अभी तक जितनी भी एल्बम शूट करी हूँ उसके अंदर इतना मजा आया होगा जितना इसके अंदर आया। हम लोग ने वहाँ पे इतनी मस्ती करी, हम लोग पाम आइलैंड गए, बहुत सारी जगह पे गए, हम लोगों ने बहुत घूमा, और राम जी राम जी आप भाई बहन में भी गाना बनाओ, रिलीज करेंगे। What an idea. बैठे-बैठे आपने इतना अच्छा idea दिया इसे। क्या बात है? ले लो इनको creative team में। announcement भी हो गई। YouTube पे और 50 मिलियन आ गए। Finally जन्नत आया। अपने fans के लिए क्या message देंगे? जन्नत और फैजी क्या कह रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे आप दोनों काफी एक्टिव रहते हैं, काफी गॉसिप चल रहा है आप रिलेशनशिप के बारे में, इस तरह से लेते हो आप? देयर इज मांगी गाइस प्लीज, जन्नत और फैजू आपके फैंस आपको हाय बोल रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? सॉन्ग प्रोमो, आर यू लाइव? यस वी आर लाइव, साथ बहु साजिश पे आप लोग लाइव हैं। ओके, तो अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, बस ऐसे ही प्यार करते रहो, हमेशा ऐसे करते हो आप लोग। थैंक यू सो मच, गाना नंबर वन ट्रेंड कर रहा है एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ इसे और शेयर करो और प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसे अभी और कुछ दिन नंबर वन ट्रेंड करता रहे। राम जी अगली एल्बम कब आ रही है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून, पहले तो हम इसका मजा ठीक से ले लें। ओके राम जी, लास्ट तो अरे फैजू और जन्नत बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो गाते ही हूँ, इनसे गवाऊँ। हाँ स्टार्ट करें, ऑलराइट लेट्स गो, चलिए 1 2 3 स्टार्ट से करो, 1 2 3
तू खुश रहने मेरे बिना पर मेरा ना तेरे बिन सरदा मैं लख समझावा इस दिल नू ए मेरी ना परवाह करदा वे गल सच्ची है सजना वे गल पक्की है सजना रोज मैं अखा परांगी मैं तेरे बिन कीवे रवांगी साध सकीवे लवांगी मैं तेरे बिन कीवे रवांगी साध सकीवे लवांगी Thank you very much. Big thank you to all the media. So we'll be showing the song which is on the right side after this. Please everybody move that side. All right. Thank you. Thank you.